हम लोग पुरान सामान इस्तेमाल करके एगो पुरान गणित सीखे वाला खिलौना बना सकनी जाए कि अबेकस भी बोलल जाला। एकरे खातिर पुरान चप्पल, पेंसिल, पंच, हथौड़ा और कुछ मनका लगी। अब एगो पंच से पुरान रबर चप्पल में सीधा लाइन में 3 गो खड्डा बना ले। ऐसन कैले के बाद तीनों पेंसिल तीनों खड्डा के अंदर खड़ा कर दें। ये पेंसिल स्टैंड के जैसन भी दिखी। अब मनका लेके यूनिट के प्लेस वाला पेंसिल में डालें। इनमें हम लोग मनका डालत जाएंगे। ध्यान दें कि यूनिट्स का प्लेस हवे। ध्यान दें कि इनमें 9 गो मनका डालने के बाद इनमें को मनका ना डाल सकें जा। ये लिए 10 करे खातिर अपन के 10वां मनका दूसर का पेंसिल में डाले के पड़ी और बाकी 9 मनका पहल का में से निकाले के पड़ी। इस तरह आप लोग देख सकें जा कि दूसर का पेंसिल मतलब दहाई का हिस्सा में अगर 5 गो रखन जा तो 50 कहलाई, और 100 के हिस्सा में अगर हम लोग 4 गो रखन जा तो 400 कहलाई। अब अगर हम लोग 100 के हिस्सा में 2 गो, 10 के हिस्सा में 1 गो और यूनिट के हिस्सा में 4 गो रखन जा तो 214 बनी। इसी तरह पहला में 4 और आखिरी में 3 गो रखन जा तो 403 बने। ध्यान दे के बीच में 1 को मन करना बा। यही के हम लोग अगर चप्पल के मोड़न जा तो हम लोग देख सकें जा कि तीनों पेंसिल का छोर एक दूसरे से मिलन जा। ई कॉनकेव मिरर के जैसन दिखेला। और अगर कि हम लोग बाहर की तरफ फैलाएं जाए तो एगो कॉनकेव मिरर के जैसन दिखी। ई पेंसिल अपने लाइट का दिशा दिखाए ना। ई अपने लेंस का रे डायग्राम दिखाए खातिर बहुत ही अच्छा खिलौना हुए। उदाहरण के तौर पे मतलब एगो सीधा आईना रही तो सारा किरण सीधा जाइए, अगर अंदर के साइड मुड़ल भैल हुए तो सारा किरण एक पॉइंट पे आके मिलिए एक बिंदु पे, और बाहर के सतह पे मुड़ल भइल मिरर हवे आईना हवे तो ये सब किरण फैले ना देख सके नहीं जा। ये उदाहरण से हम लोग अलग अलग तरीका का आईना के तरह किरणों में से निकलेला वो बता सके नहीं जा।